आज हम काव्य के उन तीनों गुणों की परिभाषा स्पष्ट करेंगे जिसे विद्वानों ने समग्र रूप से स्वीकार किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं माधुरी गुण की। जिस काव्य कृति के अध्ययन श्रवण से पाठक या श्रोता के हृदय में तरलायित होकर अनुभूति और सौंदर्य के सहज आनंद की सृष्टि होने लगे उसमें माधुरी गुण माना जाता है। अपने स्वरूप और वृत्ति में यह काव्य गुण कोमल और मधुर माना गया है। अपने कोमल स्वरूप के कारण ये सभी को स्वीकार्य भी रहा है, अतः इसमें कोमल मधुर शब्दों का प्रयोग ही किया जाता है। समस्त पद ट वर्ग की ध्वनिया, अनुनासिक वर्ण एवं रेफ या रकार आदि का प्रयोग इस प्रकार के काव्य में वर्जित माना जाता है। कोमल मधुर होने के कारण ही रस दृष्टि से श्रृंगार करुण शांत रसों में इस गुण का समावेश स्वभावत ही हो जाया करता है। महादेवी वर्मा की कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो माधुरी गुण का बड़ा ही संयत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जैसे रूपसी तेरा घनकेश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास, यह विषय की कोमलता के समान ही कोमल कांत शब्दों का प्रयोग किया गया है जो स्वतः ही माधुर्य की सृष्टि करने वाले हैं। माधुर्य काव्य का वह गुण है जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित बना देता है। वैसे माधुर्य का अर्थ है मिठास। माधुर्य युक्त रचना को पढ़ने से मन में एक आह्लाद उत्पन्न होता है जो मन को आनंदित कर देता है। माधुर्य का संबंध श्रृंगार करुण और शांत रस से है। इसमें समास या तो न हो और अगर हो तो वो छोटे छोटे हो, जैसे कि मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्सियो मुकुंद मधुबन में, या और इसको आगे हम सोचें तो जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय, मधुमय वसंत जीवन वन के या अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। इस प्रकार माधुरी गुण काव्य में आनंद की अनुभूति कराने का एक श्रेष्ठ साधन माना जाता है। दूसरा जो गुण प्रमुख रूप से हमारे सामने आता है वह है ओज गुण। हम ओज गुण की जब बात करते हैं तो ओज का अर्थ आता है तेजस्विता से। तेजस्विता किससे संबंधित है? तेजस्विता संबंधित है वीरता से। जो काव्य कृति या साहित्यिक रचना पाठक एवं श्रोता के मन में सहज स्फूर्ति एवं आवेश भर देती है, उसके तन मन में ओजस्विता का संचार कर देती है, उसमें ओज गुण माना जाता है। इस प्रकार के काव्य या साहित्य में द्वित्व संयुक्त समास बहुल पदों, ट वर्ण युक्त ध्वनियों एवं कठोर वर्णों का प्रयोग हुआ करता है। रस की दृष्टि से वीर रौद्र और विभत्स रसों में ओज गुण की प्रधानता रहा करती है। कविवर सियाराम चंद गुप्त की निम्नलिखित पंक्तियां आप देखिए कि अश्नि वात से निर्घोषित हो, विजय घोष इस जीवन का, तड़ित तेज में चिर प्रयोतिर्मय हो उत्थान पथन तन का। भूषण की वीर रसात्मक कविता की भाषा इस काव्य गुण का विशेष उत्कर्ष उसमें देखा जा सकता है। उसे सुनने वाला व्यक्ति चाहे पूर्णतया अर्थ भाव को हृदयंगम भी न कर सके तो भी एक बार फड़क अवश्य उठता है। भूषण की कविता का एक उदाहरण देखो, बुझ बुझ गेस किथे संगिनी भुजंगिनी सी, खेद खेद लहाती दिह बादन दलन के, बख्तर पखारन बीप धंसी जाती, मीन बैरी चार जात परवाह ज्यों जलन के, एरा याव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी परिछिने ऐसे परे परिछिने वीर, तेरी बर छिने है लख हलन के। ओजगुज के गुण के संबंध में इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। वैसे भी ओज का अर्थ तेजस्विता है। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह उत्तेजना और तेजस्विता उत्पन्न होती है। इसे फिर स्पष्ट करते हैं कि ओज गुण का संबंध वीर रौद्र और विभत्स रसों से होता है। निम्नलिखित वर्ण ओज के व्यंजक होते हैं। वाक्य में उनका प्रयोग होने से ओज की व्यंजना होती है। कौन कौन से? टठ डढ श श, दीर्घ में र तथा ण, रेफ रकार के संयुक्त वर्ण से क्री क्री द्रि, अल्प प्राण वर्णों से संयुक्त उनके महापाण वर्ण जैसे ख छ ठ आदि, दूरे स्पर्श वर्ण जैसे क त प आदि, जैसे स्वजाति की देख अति दुर्दशा, विगणना देख मनुष्य मात्र की, विचार के प्राणी समूह कष्ट को हुए समुत्तेजित वीर केसरी। इस प्रकार दिनकर के काव्य में भी हमें वीर रस का उत्कर्ष मिलता है। जो तीसरा गुण जो हमारे सामने आता है वह है प्रसाद गुण। जिस साहित्य या काव्यकृति के पढ़ते ही अथवा सुनते ही पाठक या श्रोता के हृदय में स्वतः उसका अर्थ प्रकाशित हो जाए
ऐसी रचना में प्रसाद गुण की स्थिति मानी जाती है। इसमें सीधे सरल शब्दों की योजना रहती है, अतः पाठक एवं श्रोता को काव्यानुभूति का सहज ही बोध हो जाता है। यह तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि प्रसाद गुण संयत या सीधी सरल भाषा का प्रयोग ही काव्य के सभी रूपों में उचित माना जाता है। भाषा का अभिजात्य कवि को लोक या जन तक पहुँच पाने में सर्वाधिक बाधक हुआ करता है। छायावादी कवि भाषाई अभिजात्य के कारण ही सर्वगुण संपन्न होते हुए भी जन कवि नहीं बन पाए। कबीर और दिनकर जैसे कवि प्रसाद गुण संयत अर्थात सरल भाषा के प्रयोग के कारण ही सीधे जनमानस में उतरकर हमेशा के लिए बस गए। इस दृष्टि से रस कोई भी क्यों न हो, प्रसाद गुण जन 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 मन में अर्थ को सहज प्रकाशित कर दिया करता है। इसी कारण हमारे विचार में सर्वोत्तम काव्य गुण इसी को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके महत्व को समझने के लिए मैथिली क्षण गुप्त की कविता का निम्नलिखित उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। रसवादियों की दृष्टि से प्रसाद गुण का प्रयोग किसी भी रस में सहज ही किया जा सकता है। इसमें सभी प्रकार की अभिव्यक्तियाँ सहरस एवं सहज ग्राह्य हो जाया करती है। अतः प्रसाद काव्य का वह गुण है जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही अर्थात बिना किसी माथापच्ची के ही समझ में आ जाए। जैसे सूखे काठ में प्रज्वलित अग्नि सहज ही शीघ्र ही व्याप्त हो जाती है, वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ सीधे ही चित्त में व्याप्त हो जाता है। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। गुरु उदाहरण देखिए इसका, एक गुरु तो ऐसा चाहिए शिक्षो कछु न ले, और सिख तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे। इस प्रकार दूसरा इसका उदाहरण एक और है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि काव्य गुणों का काव्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भावा अभिव्यक्ति का मुख्य वाहन और साधन भाषा है। भाषा का अनिवार्य धर्म वाक्य होता है। वाक्य योजना सार्थक शब्दों या पदों में हुआ करती है। यही शब्द पद उचित स्वीकारे जाते हैं कि वर्ण विषय भाव और विचार को समग्रतः अभिव्यंजित कर पाने की जो क्षमता रखते हैं, और ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब उनका चुनाव वर्ण विषय की अनुभूति उसके मूल रूप संस्कार आदि के अनुकूल किया गया हो। ऐसा करना ही काव्य शास्त्र में वृत्ति के नाम से अभिहित किया जाता है। इस आलोक में वृत्ति या वृत्तियों का सीधा संबंध काव्य गुणों के साथ जुड़ा रहता है। वृत्तियों का रूप निर्धारण भी काव्य गुणों के अनुसार ही हुआ करता है। अतः वृत्तियों के विवेचन विश्लेषण के अभाव में काव्य गुणों को पूर्ण रूप से विवेचित और विश्लेषित नहीं किया जा सकता। इसी काल आलोक में वृत्तियों के स्वरूप एवं भेद आदि को समझ लेना भी आवश्यक है। तो अग्रिम अध्याय में हम काव्य की वृत्तियों के बारे में विचार करेंगे।